प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अलीगढ़ में सीएम योगी के आगमन पर प्रशासन अलर्ट, सीएम प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कानपुर में यातायात माह मनाने की हुई शुरुआत, यातायात नियमों के प्रति करेंगे जागरूक। कानपुर में थाना प्रभारी पर लगा आरोप, पुलिस ने की रिश्वत की मांग। संभल में पुलिस टीम पर हुआ पथराव, दरोगा सहित 3 पुलिस कर्मचारी हुए घायल। कानपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, मोतियाबिंद ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम बन्ना देवी थाना इलाके के नुमाइश ग्राउंड में होगा। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान कई छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे। सीएम योगी 75 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल हो रहा है यहाँ पर अलीगढ़ का, ये जो कृषि प्रदर्शनी मैदान है यहाँ पर वो प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और लोकोपयोगी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके मद्देनजर यहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं, इनको हम समय से पूर्ण कर लेंगे। सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कानपुर ट्रैफिक पुलिस यातायात महादिवस मनाने की तैयारी कर रही है। यातायात पुलिस वाहन स्वामियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही ई रिक्शा और टेम्पो चालकों को प्रशिक्षित कर उनके स्वास्थ्य चेकअप की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि कानपुर के कई चौराहों पर सिग्नल, स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की उचित व्यवस्था नहीं है। माह चालू होने के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं वो सिग्नल पूरी तरीके से देखा जाए तो केवल 100 पीस के नाम पे यहाँ खड़े हुए हैं और केवल ये 100 पीस ही रह गया है। कहने वाली बात नहीं है, ये तो देखने वाली बात है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर बिल्कुल पूरी तरीके से कानपुर बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए यातायात माह चालू होने के बाद इस पर केवल 1 नवंबर से लेकर के और अभी तक जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने आज तक अभी जो है देखा है तो पूरा साल बीतने वाला है और ये सिग्नल जो है पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहे हैं। और केवल देखा जाए तो बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और ये सब लगाने से सरकार को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं विज्ञापन छपा है कि यातायात माह चल रहा है, उसकी सर्वे किया गया, पर पूरी तरीके से देखा जाए तो कानपुर में धरातल हम जहाँ खड़े हुए हैं कानपुर में फजलगंज चौराहे पर पूरी तरीके से देखा जाए तो सारे ट्रैफिक व्यवस्था पूरे फेल नज़र आ रहे हैं। और देखिए देखिए किस तरीके से सारे सिग्नल रेड हैं, उसके बाद भी पूरी जो ट्रैफिक है वो अपने आप चल रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं ये सब बड़ा सवाल नज़र आ रहा है उसके लिए कि जो सिग्नल चल रहा है वो रेड, येलो, ग्रीन कोई मतलब नहीं किसी को कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और केवल जो चालान के नाम पर देखा जाए तो जो ई चालान के नाम पर राजस्व लिया जा रहा है उसका भी राजस्व कोई पता नहीं है, इसकी भी एक बड़ा खेल है। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, किस तरीके से ये देख रहे हैं यातायात माह चल रहा है, सरकार इतनी अपील कर रही है, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रही है लोगों को बताने, जागरूक करने के लिए, पर यहाँ तो कुछ ज़मीन पर कुछ और दिख रहा है? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस समय आपका यातायात माह चल रहा है कानपुर नगर में और जो प्रशासन है काफ़ी अच्छी तरीके लोगों को अवेयर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस सिर्फ किताबों में रह गया है, किताबी ज्ञान रह गया है। क्योंकि जहाँ आप खड़े हो एक ज़मीन स्तर पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं और ट्रैफिक ऐसा हमारी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो रोज़ पब्लिक अपने घर से निकलती है, एक परिवार अपने घर से निकलता है सोच के कि हम जा रहे हैं अपने काम पे शाम को वापस लौटेंगे, लेकिन जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि सरकार का पैसा जो सरकार पब्लिक से वसूलती है पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है,
ये सिग्नल आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों लाइटें जल रही हैं इस समय, ऑरेंज भी जल रहा है, येलो भी जल रहा है, ग्रीन भी जल रहा है। ट्रैफिक विभाग जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो बच्चों के स्कूल जा जा करके चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, कि देखा जाए तो सरकार के जो दावे हैं किस तरीके से नजर आ रहा है आपको? देखिए सरकार अपना काम कर रही है बिल्कुल अच्छा है कि बच्चों को अवेयर कर रहे हो आप, लेकिन अवेयर करने के साथ आप अपने अपना काम भी ठीक रखिए। आपका काम नहीं ठीक हो रहा है, आप चौराहों पे कुछ स्थिति है, किताबों में अलग बच्चों को बता रहे हो जाके और स्कूल में अलग बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो, लेकिन वही बच्चा अगर वहाँ से स्कूल से छूटेगा जब वो चौराहे पहुँचेगा तो बोलेगा कि सर आए थे उन्होंने हमें ये पार्ट पढ़ाया था, लेकिन पार्ट में तो हमारे चारों बत्ती जलने का पार्ट तो था नहीं, इसमें तो एक बताया था कि रेड जलेगी रुकना है यहाँ पे, या तो रेड भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। वो सोच के हंसेगा या सोचेगा कि लग रहा है मुझसे सुनने में कुछ गलत हो गई है सर, मुझे कुछ कम सुनने में कुछ गलत हो गई है सर, मुझे कुछ कम बता गए। ये जो देखा है तो किस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था जो है इसको ई चालान की जगह से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया था, पर देखा है तो जो चालान की व्यवस्था है सारे जगह जगह कैमरे तो खराब पड़े हुए हैं, और जो चालान हो रहे हैं वो जो ट्रैफिक सिपाही रोड पर खड़े तो उनके माध्यम से चालान हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चालान होना अच्छा है, पब्लिक को जागरूक करते रहना चाहिए और सख्ती भी निभानी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन चालान का कुछ मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए प्रशासन को, क्योंकि उसका बहुत दुरुपयोग होता है। हम लोग चलते हैं रोड पे, देखते हैं समस्याएं क्या आती हैं, कि भाई फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो खींचने वो तुरंत अपलोड नहीं करता है, वो उस बंदे को रोक लेता है, जबकि ये कि आप उसको जाने दो, फोटो खींच लिया आपने, एक एविडेंस कर लिया, उसको चालान कर दीजिए आप, बट वो उसको रोक लेता है, हरेस करता है, फिर कहता है 1000 का चालान है आप 500 दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली जो सोचता है कि मैं 1000 रुपये कहाँ से दूंगा, वो 500 देके मुझे निकलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए सरकार दावे ठोक रही है या कानपुर जिला प्रशासन दावे ठोक रहा है कि जो कानपुर स्मार्ट सिटी है ये जो लाइटें हैं ये यही स्मार्ट है कि कुछ और भी स्मार्ट सिटी है? देखिए दावे बहुत खोखले हैं, ये हकीकत हो चुका है आपका, ये आप देख ही रहो कानपुर स्मार्ट सिटी अच्छा है, लोग स्मार्ट हैं, अवेयर है, जागरूक है, बट प्रशासन स्मार्ट नहीं है, कहीं से नहीं है, उसका आपका जीता जागता नमूना सामने ही है, कहीं से आप स्मार्ट नहीं है, आप कितना भी आप कर लो कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाई पड़ रही है, आपके काम में नहीं दिख रही है, आपका सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। आप जाओ चौराहों पर देखो तो कैमरे नहीं काम कर रहे हैं, जो CCTV कैमरे लगाए गए थे, कैमरे हम लोग की सेफ्टी के लगाए गए थे, भाई कोई चेन स्नैचिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उसके एविडेंस ले सको कि भाई चौराहे से कोई निकला था। आज एक चौराहा दिखाता है कि वो दूसरे ग्रह की तलाश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एक देख रहा है वो सीवर लाइन ढूंढ रहा है कि खुद ही पड़ी है, तो वहाँ की मॉनिटरिंग करने के लिए आपने लगाया हुआ है क्या? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं किस तरीके से लूटपाट की घटना जो बता रहे हैं कानपुर में, जो देखा जाए जो 28 दिन के अंदर जो 35 लूटे हुई हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी कहीं ना कहीं उसका असर यही है, क्योंकि जो क्रिमिनल है उनको पता है कि भाई चौराहे से निकलूंगा यहाँ पर कैमरे नहीं चल रहे हैं, उनको पता है, वो अब देख रहा है कि आपका सिस्टम खोखला है, आप दावे में हो, 100 नंबर डायल करने पे पुलिस आएगी, बिल्कुल आती है, फैक्ट है, लेकिन जब क्राइम होगा तभी आएगी ना, क्राइम होने से पहले डर खत्म हो जाएगा क्रिमिनल्स में, भाई कैमरे चालू नहीं है, कोई कहीं कैमरे आपके उस पर नहीं हो, आप दिखते ही नहीं हो कहीं पे, सर्विलांस पे नहीं हो आप, तो कहाँ से आपकी पकड़ हो पाएगी? क्यों इतना टाइम लग रहा है प्रशासन को कि केस सॉल्व करने में? वही केस हम 2 दिन में सॉल्व कर देते थे, चोर पकड़े गए, बहुत अच्छी खबर आती थी, हम लोग भी अप्रिशिएट करते थे। यातायात माँ जो चल रहा है इस पर देख रहे जिला प्रशासन, यातायात विभाग, यातायात ट्रैफिक पुलिस और सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर मैं इस समय 10 में से 0 नंबर देना चाहूँगा अपने प्रशासन को। हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो हमारा जो पैसा का यूज़ कर रहे हो बहुत गलत तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, हमें कहीं से आप सहूलियत नहीं दे रहे हो, अभी चौराहे पे खड़े हैं, चारों बत्ती चालू है, जाम लग रहा है, आप स्थिति देखते हो तो 0 ही है। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कानपुर यातायात माह चालू होने के बाद जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ बिल्कुल बेकार हैं, और सारे जो कैमरे लाइटें जल रही हैं वो सब लाइटें रेड चल रही हैं, इंटरनेट की सुविधा लोग कुछ नहीं मिल पा रही है, और जो कैमरे लगे हैं वो सारे कैमरे खराब हुए हैं। कैमरा पर्सन विनय साथ उपेंद्र साना कानपुर। रायबरेली में टेक्नोलॉजी के जरिए लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों उन्नाव में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर बताया कि लगभग 10 लाख की लूट की वारदात हुई थी। बदमाशों ने गाड़ी चालक का हाथ पैर बांध कर फेंक दिया था। पुलिस ने GPS और माल सहित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव के एक थाना क्षेत्र में एक तंबाकू और पान मसाला भरी गाड़ी को कुछ लोगों ने अगवा करके उसे लूट लिया था, और उसके ड्राइवर को इधर उधर घुमा करके एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने पर दोनों थानों की पुलिस पहुंची थी, जो हमारा जो नेबरिंग थाना है, और हमारे एडिशनल SP साहब भी पहुंचे थे, और फिर इसमें हमारी SOG की टीम को लगाया गया क्योंकि उनके पास इस विषय में कुछ इनपुट थे। और आज इस घटना का खुलासा करते हुए घटना से संबंधित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
संभल में बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर 12 लाख के जेवर और 70,000 की नकदी लूट ली, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरा मामला बनियाठेर थाना इलाके के गुमथल रोड का है, तो वहीं पुलिस आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। सर गुमथल में, ग्राम गुमथल में मेरी दुकान है। अच्छा हाँ। और क्या? मैं शाम के समय 5:30 बजे के बाद दुकान बंद करके घर के लिए जा रहा था जी। थोड़ी दूर जाने के बाद में, आधा किलोमीटर जाने के बाद में, पीछे से एक RTR अपाची जी, सफ़ेद रंग की, वो पीछे से आगे उन्होंने मेरे आगे लगा दी और मेरे सर पे तमंचा रख दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरा बैग, जिसमें कि 12 लाख का सामान सोना और चांदी था जी, और 70,000 रुपये नकदी और मेरा वॉलेट और मेरा फ़ोन लेके, और वो यहाँ से भागे। दीपक रस्तोगी निवासी चंदोसी द्वारा बताया गया है कि उनके साथ एक घटना कारित हुई है, जिसमें बाइक सवार कुछ लोगों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया है। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी तत्काल ही पंजीकृत किया जाएगा और जो भी अपराधी हैं उन्हें तत्काल ही गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर शहर की नखाशा थाना पुलिस हत्या के दोषी आरोपी की गिरफ्तार करने गई टीम उन पर पथराव कर दिया गया, जिसमें दरोगा और 3 पुलिस कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सभी घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में डॉक्टर नीरज गुप्ता और एजेंट दुर्गेश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 2 और मरीजों की आंखों की रोशनी में गड़बड़ी मिली है। हालांकि ये मरीज 2020 में अपना ऑपरेशन करवाने आए थे, तो वहीं थाने में लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना बर्रा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कुछ मरीजों की आंख की रोशनी जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में CMO महोदय के द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना बर्रा क्षेत्र में धारा 419 और धारा 338 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में यह सामने आया है कि आराध्या आई हॉस्पिटल के द्वारा एक निशुल्क शिविर लगाने के लिए ना तो CMO महोदय के द्वारा कोई परमिशन ली गई। इसमें अंतरिम जांच रिपोर्ट कल शाम को प्राप्त हो गई, जिसके आधार पर FIR करा दी गई है। जो मरीज हैं उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके चल रहा है, उनको भर्ती कर लिया गया है, उनकी जांच हो रही है और आगे अंतरिम जाँच रिपोर्ट मिल गई है और अभी जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है वो कमेटी देगी अपनी, उसके आधार पर अगर कुछ और चीज़ें की जानी तो वो भी की जाएगी, जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। पैसे लेने का मामला भी निकल के सामने आ रहा है, कुछ पैसे लिए गए थे मरीजों से। हाँ, अंतरिम रिपोर्ट में ये बात आई है सामने कि सरकारी कैंप के नाम का दुरुपयोग करते हुए पैसे लिए गए थे। औरैया में ग्राम पंचायत सलेमपुर में लगभग 20 लाख लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की प्रधान द्वारा शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस टीम की मौजूदगी में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि विकास खंड अछलदा की ग्राम पंचायत सलेमपुर के प्रधान वीरेंद्र दिवाकर ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उनकी ग्राम पंचायत की भूमि पर 20 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। फरुखाबाद में शहर कोतावली क्षेत्र के आवास विकास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला अस्पतालों में एक महिला अपनी बच्ची का इलाज कराने आई थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही बढ़ते जाने पर महिला ने दम तोड़ते नियमों के खिलाफ आवाज उठाई है और महिला ने कहा कि शासन की तरफ से नियम बनाए जाते हैं पर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से जनता को लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही कहा कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को भी जांच करवाने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। निमोनिया कहाँ लेके आई थी आप? वो
महिला वार्ड में। क्या कह दिया था वहाँ? ये बोल दिया था कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलो हम एडमिट करवा देंगे, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, आपके बच्चे को ऐसे देखने नहीं कोई चाहिए। कानपुर कमिश्नरेट में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी गोविंद अग्निहोत्री की ज्वेलर्स की शॉप है। बीते दिनों पीड़ित ने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, इसके बाद उसी जमीन के चेक बाउंसिंग के मामले में पुलिस ने जबरन पीड़ित को थाने में बुलवा लिया और उससे रुपये की मांग की। पीड़ित ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि थाना अध्यक्ष पनकी अंजन कुमार सिंह 5 लाख रुपए की मांग की है। पुलिस मुकदमे की धमकी देकर रुपए की डिमांड करने लगे, जिससे आहत होकर पीड़ित ने कमिश्नर से मामले की शिकायत की है। वहीं डीसीपी ने कहा कि जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम गोविंद अग्निहोत्री है, मैं गंगागंज में रहता हूं, मेरी एक ज्वेलर्स की दुकान है। आज कमिश्नर साहब यहां आए, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि पनकी थाना मुझको जो है रोज उठा के ले जाता है और पैसा मांगता है। अभी अंजनी सिंह ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे हुए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए देकर हमको रात में 11:30 बजे छोड़ा है। कौन अंजनी सिंह? अंजनी सिंह एसओ हैं और धर्मेंद्र सिंह यादव जो है लेखा मुंशी हैं, जिन्होंने पैसा मांगा और रात में हमारे पिताजी को डरा धमका करके तुम्हारे लड़के को 7 साल की मैं सजा करा दूंगा। तो उन्होंने जो है डरने के बाद 1 लाख रुपए दिया, जिसमें 8-10 लोग मेरे साथ गवाह हैं। किस चीज़ के लिए आपको ऊपर दबाव बना पैसे ले रहे हैं? वो तो कह रहे थे तुम्हारी चेकें बाउंस हैं और 420C का मुकदमा दर्ज कर दूंगा, 467 और 468 का मुकदमा दर्ज करूँगा, इसके बावजूद अगर नहीं करोगे तो तुमको जो है जेल भेज दूंगा 7 साल की। तो हमारे पिताजी ने डर कर 1 लाख रुपये दिया। इन आरोपों की एक जांच कमिश्नर महोदय के द्वारा मुझे दी गई है। तो प्रकरण में जो आवेदक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें आवेदक से उस संबंध में जो भी उनके द्वारा साक्ष्य दिए जाएंगे और जो बातें बताई जाएंगी उसमें गहराई से जांच करके यदि जो आरोप हैं वो सत्य पाए जाते हैं तो जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।